हेलो एंड वेलकम टू फिनिश एजुकेयर। वेलकम टू दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो दिस वीडियो इज़ फॉर स्टूडेंट्स हु हैव पास 10th स्टैंडर्ड एंड हु आर गोइंग टू 11th स्टैंडर्ड। सो उन बच्चों के लिए ये वीडियो है जिन्होंने 10th स्टैंडर्ड पास किया है और जो 11th स्टैंडर्ड में अभी एडमिशन लेने वाले हैं या जिन लोगों ने एडमिशन लिया है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो एंड आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू सी दिस वीडियो टिल द एंड। सो आई एम गोइंग टू कवर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 10th स्टैंडर्ड की हम बात करेंगे। 10th स्टैंडर्ड का जो भी सिलेबस होता है, सो 10th स्टैंडर्ड परसेंटेज इंक्लूड्स मार्क्स स्कोर्ड इन ऑल सब्जेक्ट्स। तो जो भी आपको मार्क्स मिला है, अभी दो साल से तो ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है तो उसे भूल जाओ। जो भी मार्क्स आपको मिला है उस मार्क्स को भूल जाओ। लेकिन नॉर्मली अगर हम बात करेंगे, अगर कोविड नहीं होगा या नहीं होता था तो नॉर्मली हम जब स्कूल से पास होते हैं तो 10th स्टैंडर्ड में या जो बोर्ड एग्जाम होता है, 10th स्टैंडर्ड का जो बोर्ड एग्जाम होता है तो उसमें सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स इंक्लूड होते हैं। सब सब्जेक्ट्स मतलब क्या, मैथमेटिक्स भी होता है, साइंस भी होता है, ज्योग्राफी भी होता है, हिस्ट्री भी होता है, ये अलग 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 सब्जेक्ट्स हैं। ओके, सो आफ्टर 11th स्टैंडर्ड यू हैव टू चूज स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू योर चूजन स्ट्रीम। ये आपको पता भी चला होगा, अगर आप साइंस ले रहे हो 11th में तो आपको कुछ अलग सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है। अगर आप कॉमर्स ले रहे हो तो कुछ अलग सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है। अगर आप आर्ट्स ले रहे हो तो कुछ अलग सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है। 10th में वैसा नहीं था। 10th में क्या होता है, जनरलाइज सिलेबस होता है, सभी के लिए सिलेबस सेम होता है। तो आपको सभी को सेम सब्जेक्ट चूज़ करना है और उसके हिसाब से एग्ज़ाम देना है। तो सभी लोगों को इक्वली हम लोग सभी लोगों को जज करते हैं 10th तक। 11th में वैसा नहीं होता। 11th में जिसे जो पसंद है, जिसे जो स्ट्रीम पसंद है उसके हिसाब से वो सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है। ओके, सो फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट देर इज स्पेलिंग मिस्टेक। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, सेमी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एंड मराठी हिंदी उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स विल हैव सेम सिलेबस फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड। अभी कैसे होता था, 10th स्टैंडर्ड में हिंदी मीडियम वालों के लिए सिलेबस सेम होता था लेकिन हिंदी में होता था सिलेबस। मराठी मीडियम वालों के लिए सिलेबस सेम होता था लेकिन मराठी में होता था, या उर्दू मीडियम वालों के लिए भी सेम होता था। जो सेमी इंग्लिश वाले होते हैं उनके लिए साइंस मैथ्स ये सब इंग्लिश में होता था, मैथ इंग्लिश भी इंग्लिश में होता था, बाकी इंग्लिश मतलब हायर लेवल का होता था, बाकी सब मराठी में होता था, हिस्ट्री ज्योग्राफी मराठी में होता था। ओके, सो इन लोगों के लिए जिन्होंने मराठी मीडियम या फिर जो हिंदी मीडियम से है या फिर जो कुछ सेमी इंग्लिश वालों से सेमी इंग्लिश मीडियम से है, उन बच्चों के लिए 11th स्टैंडर्ड थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। कंपैरेटिवली इंग्लिश मीडियम वालों से डिफिकल्ट होने वाला है कुछ महीने 11th स्टैंडर्ड के, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में अगर आप जाते हो तो आपको पूरा इंग्लिश में पढ़ना पड़ता है। इंग्लिश में पूरा होता है, साइंस या कॉमर्स जो भी है इंग्लिश में होता है। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में 99% कॉलेजेस में इंग्लिश में होता है। ओके, तो आपको आपका इंग्लिश राइटिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स, लर्निंग स्किल्स सब इंप्रूव करना पड़ेगा। अगर आपका इंग्लिश वीक है तो आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। ओके, तो ये नॉन इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, कुछ 6 महीने उनके लिए डिफ़िकल्ट जाते हैं 11th स्टैंडर्ड के। अगर उन्होंने अपने इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस किया, इंग्लिश इंप्रूव किया वो, तो आप उनको आगे कुछ डिफिकल्टी नहीं होगा, वो आराम से 12th स्टैंडर्ड में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। लेकिन इंग्लिश इंप्रूव करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है 11th स्टैंडर्ड में। मोस्ट कॉमन मेंटालिटी ऑफ स्टूडेंट्स, अभी बहुत ऐसी मेंटालिटी होती है स्टूडेंट्स की। अभी नॉर्मली तो अभी कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है, बहुत कम बच्चे हैं जो सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग तो कैसे पास हो गए ऐसे ही। उनको लगता है कि अभी 11th में भी वैसे हो जाएगा, पास हो जाएंगे, 12th में भी ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा मेंटालिटी होना बहुत गलत है, क्योंकि ये कोविड के पहले भी बहुत सारे बच्चों की मेंटालिटी होती थी कि 11th में कौन पढ़ता है, क्यों 10th तक अच्छी पढ़ाई करते थे, 10th में उनको अच्छे मार्क्स मिलते थे, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलता था, बाकी नए फ्रेंड्स बन गए उनके। ऐसा मेंटालिटी होता है कि अभी 11th में थोड़ा पढ़ाई नहीं करेंगे तो चलेगा, हम क्या करेंगे 12th में वापस पढ़ाई करेंगे, 12th में वापस बोर्ड एग्जाम होगा तो उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। तो बहुत सारे बच्चों की ऐसी मेंटालिटी होती है कि 11th में तो मजे करेंगे, 12th में बाद में वापस बोर्ड की प्रिपरेशन करेंगे। तो इसमें होता क्या है, जैसे मैंने आपको बोला कि 10th तक सभी को सिलेबस सेम होता है, 11th में अगर आओगे तो 11th में क्या होता है, 11th में नई बिगनिंग होती है, न्यू 11th इज़ अ न्यू बिगनिंग। बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जिन्होंने 10th में बहुत कम मार्क्स स्कोर किए थे लेकिन 11th के बाद उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई की और वो अच्छा करियर उन्होंने बनाया। क्योंकि क्या होता है कि 11th में उनको टॉपिक पसंद है वो अगर उन्होंने सिलेक्ट किया, अगर उनको कॉमर्स पसंद है तो उन्होंने कॉमर्स सिलेक्ट किया तो वो अच्छा कर पाएंगे आगे। क्योंकि 10th तक क्या होता है, साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं उनको, मैथमेटिक्स होता है, तो उतना उनको पसंद नहीं होता है, उतना उसमें अच्छा नहीं कर पाते। तो 11th में आपको चॉइस होता है कि आपका जो पसंद का स्ट्रीम है वो चूज़ कर सकते हो। सो 11th इज़ अ न्यू बिगनिंग। सो ईयर ऑनवर्ड्स यू हैव टू स्टडी डिफरेंट सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू योर चूजन स्ट्रीम। जो भी आप स्ट्रीम चूज़ करोगे उसके हिसाब से आपको सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। ओके,
सो 11th इज़ फाउंडेशन फॉर योर 12th स्टैंडर्ड सिलेबस. ये बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, इसके वजह से उनको 12th में मार्क्स कम मिलते हैं. कि 11th स्टैंडर्ड का जो भी सिलेबस है वो 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस का फाउंडेशन है. अगर आप कॉमर्स का कोई भी सब्जेक्ट देखोगे या कॉमर्स के सब्जेक्ट्स देखोगे तो उसमें जो भी टॉपिक्स है या जो भी टॉपिक्स है वो 12th में और आगे जाके और थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल उसका बढ़ने वाला है. तो 11th में अगर आपको समझ में नहीं आया तो 12th में समझने के लिए टाइम लगेगा, या आपको ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, या फिर आपको समझ में नहीं आएंगे. इसलिए 11th स्टैंडर्ड को सीरियसली लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. 11th का जो भी सिलेबस है उसको सीरियसली पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है. नहीं अगर करोगे तो 12th में आप सफ़र करोगे, और 12th में सफ़र करोगे मतलब आपका जो भी एस्पिरेशन रहेगा कि आपको इंजीनियरिंग करना है या फिर मेडिकल में जाना है या फिर फार्मेसी करना है या फिर CA बनना है, ये सब आप उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आप फेस करोगे, क्योंकि आपका बेस ही वीक होगा, 11th स्टैंडर्ड ही वीक होगा. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो फाउंडेशन है, 11th स्टैंडर्ड इज़ अ फाउंडेशन ऑफ 12th स्टैंडर्ड सिलेबस, तो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है. देन 11th स्टैंडर्ड सिलेबस, अभी हम अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग स्ट्रीम्स में कौन से टॉपिक्स होते हैं या कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं देखते हैं. साइंस में अगर देखोगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, IT, ये कोई भी आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो इसमें से. ये IT भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है जो कुछ कॉलेज ऑफर करते हैं. ओके, इसका ये अगर लोगे IT तो उसका फ़ीस ज़्यादा होगा. तो अगर आप देखोगे कि आपको अगर इंजीनियरिंग करना है तो इंजीनियरिंग में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स कंपलसरी है, ये आपको लेना पड़ेगा. उसके बाद ही आप इंजीनियरिंग में 12th के बाद एडमिशन ले सकते हो. अगर मेडिकल में जाना है या फार्मेसी में जाना है तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये लेना पड़ता है. ये अगर लोगे इसमें अगर पढ़ाई करोगे तो ही आप आगे जा सकते हो मेडिकल में, या डॉक्टर सब बन सकते हो. मैथ्स आप इग्नोर भी कर सकते हो या स्किप भी कर सकते हो, उसके जगह दूसरा भी सब्जेक्ट ले सकते हो. वैसे ही बायोलॉजी के साथ होता है, बायोलॉजी आप स्किप भी कर सकते हो. तो ये आपके ऊपर डिपेंड है. तो मैंने जैसे बोला कि आप आपका जो पसंद का सिलेबस है वो चूज़ कर सकते हो. आपकी जो पसंद की स्ट्रीम है साइंस स्ट्रीम है तो साइंस चूज़ कर सकते हो. ठीक है, उसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब पसंद नहीं है तो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. अगर कॉमर्स की बात करेंगे तो कॉमर्स में इकोनॉमिक्स, बुक कीपिंग मतलब अकाउंटिंग का सब्जेक्ट होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, IT, जैसे ये दो सब लैंग्वेजेस तो होते हैं. इंग्लिश कंपलसरी होता है और यहाँ हिंदी, मराठी, IT, ये कोई भी लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हो. ठीक है, IT कंप्यूटर रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, उसमें उसका ऑनलाइन एग्ज़ाम देना पड़ता है आपको. तो जैसे आप देख सकते हो ये सिलेबस अलग है, कम्प्लीटली अलग है सिलेबस. कॉमर्स में सिलेबस अलग है, साइंस में अलग है. 10th में ऐसा नहीं होता, 10th में सभी सिलेबस या सभी टॉपिक सेम होते हैं सभी के लिए. 11th में आप चूज़ कर सकते हो अलग अलग. तो आपको अगर कॉमर्स में इंटरेस्ट है तो आप ये सब टॉपिक्स पढ़ के आगे अच्छा करियर बना सकते हो. सेम होता है साइंस के लिए, ये सब टॉपिक्स आप चूज़ कर सकते हो, ये सब सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हो और अच्छा करियर बना सकते हो. तो 11th में नया स्टार्ट मिलता है, 10th तक का भूल जाओ सब, 11th में नया स्टार्ट मिलेगा आपको. सेम होता है आर्ट्स के लिए, आर्ट्स में हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, मैथ्स, लैंग्वेजेस जैसे हिंदी, मराठी, इंग्लिश, ये लैंग्वेजेस होते हैं, ये आप चूज़ कर सकते हो. अगर आपको मैथमेटिक्स पसंद नहीं है तो मैथमेटिक्स को इग्नोर भी कर सकते हो, या फिर आप 11th 12th तक पढ़ के तो उसके बाद ये जो भी है हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इसमें हायर स्टडीज़ कर सकते हो. तो आपको दिख रहा होगा कि अगर आपको ये बायोलॉजी ये सब पसंद नहीं है तो आप कॉमर्स में जा सकते हो या फिर आर्ट्स में जा सकते हो. हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब पसंद नहीं है तो आप कॉमर्स में जा सकते हो या फिर साइंस में जा सकते हो. तो आपको जो पसंद है वो ले सकते हो और उसके बाद एक नया करियर बना सकते हो. तो 10th तक का क्या होता है, जनरलाइज सिलेबस होता है, सभी के लिए सेम होता है. 11th के बाद एक नया बिगनिंग होता है. तो आप इमेजिन करो कि आप नया कुछ सीख रहे हो तो पहले ही आपने टाइम पास किया तो आगे आप बढ़ नहीं पाओगे. तो 11th में पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ़ यू डोंट स्टडी वेल इन 11th स्टैंडर्ड, चांसेस आर मोर टू स्कोर वेरी लेस मार्क्स इन 12th स्टैंडर्ड. बहुत सारे बच्चों का 12th में मार्क्स कम आता है. मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जिनका 10th में स्कोर 85% होता है और 12th में 55% होता है. इसका मेन रीज़न एक दो तीन मेन रीज़न है इसके. सबसे पहला मेन रीज़न क्या है, उन्होंने गलत स्ट्रीम चूज़ किया, कि उनको ये बायोलॉजी इन सब में इंटरेस्ट नहीं था, या उनको इंटरेस्ट था सब जो साइंस में उनको इंटरेस्ट था, लेकिन ये सब फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इसका जो कंसेप्ट है उनको समझ में नहीं आते थे. ठीक है, या उन्होंने कंसेप्ट कभी समझ के लिया ही नहीं. तो उन्होंने क्या किया, रट्टा मारा. उन 10th तक का जो उनको आदत था बाय हार्ट करके लिखने वाले का, बाय हार्ट करके एग्ज़ाम देने वाले का, ये आदत उन्होंने 11th में छोड़ा नहीं. तो क्या हो गया, उनको सब टॉपिक्स ही समझ में नहीं आए. टॉपिक्स अगर समझ में नहीं आएंगे तो कितना रट्टा मारोगे आप, क्योंकि सिलेबस बढ़ जाता है, बहुत सारा याद नहीं कर पाओगे आप. तो आपको जब तक समझ में नहीं आता है तब तक आप उसको एग्ज़ाम में नहीं लिख पाओगे. सेम होता है कॉमर्स में,
साइंस में सबसे ज़्यादा परसेंटेज गिरते हैं। इसका मेन रीज़न एक ही है कि बच्चों को टॉपिक समझ में नहीं आता है या फिर उन्होंने गलत स्ट्रीम चूज़ किया होता है। इसके बाद भी अगर कम मार्क्स आते हैं मतलब क्या सब एंड नहीं होता है, उसके बाद भी आप पढ़ाई कर सकते हो। उसके बाद ट्वेल्थ में जाके उस ट्वेल्थ के आगे भी अच्छा पढ़ाई करके आप जो भी है वो भुला दे सकते हो और अच्छा करियर बना सकते हो। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ट्वेल्थ में मार्क्स कम हो जाते हैं अगर टेंथ में या एलेवेंथ में अच्छे से पढ़ाई नहीं किया तो। जैसे देखो, आपको ये पता होगा, आपको अगर नहीं पता होगा तो समझ लो कि एलेवेंथ स्टैंडर्ड के और ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के जो भी मार्क्स है, जैसे आपको अभी टेंथ में जो मार्क्स मिला है वो नाइन्थ और टेंथ का जो भी इंटरनल मार्क्स है कैसे दिया है उन्होंने पता नहीं है, वैसे मार्क्स में आपको एलेवेंथ में एडमिशन मिलने वाला है। अगर आपको इंजीनियरिंग में या फिर मेडिकल में आगे फ्यूचर में एडमिशन लेना है ट्वेल्थ के बाद, तो उसको उस एडमिशन वो एडमिशन आपको ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के मार्क्स के बेस पे नहीं मिलने वाला है। अगर आपका ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में 95% भी मार्क्स है, इसका गारंटी नहीं है कि आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। ट्वेल्थ के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अगर आपको इंजीनियरिंग में जाना है या फिर आपको मेडिकल में जाना है या डॉक्टर बनना है या फिर फार्मेसी में जाना है, तो उसके लिए एक अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, अलग एग्ज़ाम होता है, एमसीक्यू टाइप एग्ज़ाम होता है जो डिफ़िकल्ट होता है। उसका सिलेबस तो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड वाला ही होता है, थोड़ा एडवांस होता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द एंट्रेंस एग्ज़ाम लाइक आई आई टी जेई मतलब क्या, इंडिया में इंजीनियरिंग के टॉप कॉलेजेस है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT, तो उसमें अगर आपको एडमिशन लेना है, उन कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है जो है IIT JEE, ठीक है। उसके बाद CET भी होता है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी कंडक्ट करता है CET, ये सब इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए होता है। NEET, ठीक है, ये मेडिकल वाले एंट्रेंस के लिए होता है। देन ये साइंस स्ट्रीम के लिए होता है। CPT होता है, ये CPT होता है, CA एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, ये कॉमर्स वाले बच्चों के लिए है। तो ये ठीक है, ये जो एग्ज़ाम्स है इसमें 11th और 12th दोनों में से क्वेश्चंस आते हैं। तो 11th में अगर आपने पढ़ाई नहीं किया तो 12th में आपका बेस वीक होगा, 12th में भी आपको बहुत सारे टॉपिक समझ में नहीं आएंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपको इन सब्जेक्ट्स में भी इन एग्ज़ाम्स में भी कम मार्क्स मिलेंगे। अगर आपका लक ज़्यादा अच्छा रहा तो मिल सकते हैं मार्क्स, लेकिन हमेशा हम लोग लक पे नहीं खेल सकते, ठीक है। यू कैन गेट एडमिशन इन मेडिकल, डॉक्टर मेडिकल मतलब डॉक्टर अगर बनना है तो, इंजीनियरिंग, फार्मेसी और इन CA कोर्स ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स स्कोर इन द एंट्रेंस एग्जाम, मतलब ये एंट्रेंस एग्जाम में जो आपको मार्क्स मिलेंगे उसके बेसिस पे ही आपको मेडिकल या इंजीनियरिंग या CA में एडमिशन मिलने वाला है। अगर एंट्रेंस एग्जाम में कम मार्क्स मिला तो नहीं मिलेगा एडमिशन, या फिर ख़राब कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, कम मार्क्स मिले तो ख़राब कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो इससे अच्छा क्या है कि आपका बेस पक्का कर लो, 11th में 12th में अच्छे से पढ़ाई करो, दोनों 11th 12th का टॉपिक समझ लो, सिलेबस समझ लो, तो आपको इसमें भी पढ़ाई करने के लिए, इन एंट्रेंस एग्ज़ाम की पढ़ाई करने के लिए आसान हो जाएगा। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी फॉर दिस एग्जाम्स फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड। सो 11th स्टैंडर्ड से ही स्टडी करो। बहुत सारे बच्चों का 8th स्टैंडर्ड से भी प्रिपरेशन चालू हो जाता है IIT के लिए, फिर भी उनका एडमिशन नहीं होता है, क्योंकि बहुत टफ एग्ज़ाम है, इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स है IIT का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, ओके। सो योर एम शुड बी टू स्कोर मोर परसेंटेज इन 11th स्टैंडर्ड दैन यू स्कोर इन 10th स्टैंडर्ड। ये अभी का परसेंटेज भूल जाओ आप, जो भी आपको मिला है, लेकिन आपको अगर पहले जब भी आप नॉर्मली जब स्कूल चल रहे थे तभी अगर आपको स्कूल में अच्छे मार्क्स मिलते थे तो वही मार्क्स आपके 11th में रिपीट होना चाहिए, ठीक है। तो आपको पीछे नहीं आना है कि अगर आपको 10th में सपोज 85% मार्क्स अगर आपको मिलना चाहिए थे तो 12th में 11th में आपको उसके ऊपर जाना है, उसके नीचे नहीं आना है। लेकिन इतना याद रखो कि उतना अगर मार्क्स आपको स्कोर करना है तो आपको डबल ट्रिपल एफर्ट लगाना पड़ेगा। 10th के हिसाब से 11th का सिलेबस थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, थोड़ा या ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। डबल ट्रिपल अगर आप पढ़ाई करोगे तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। साइंस स्ट्रीम के लिए ये ज़्यादा एप्लीकेबल है, डबल ट्रिपल आपको पढ़ाई करना पड़ेगा तभी आप उतना मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अगर आपको 10th के मार्क्स 12th में अगर रिपीट करना है साइंस में तो आपको 3-4 गुना तो ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा तभी आप रिपीट कर सकते हो, उससे ज़्यादा भी, 3-4 गुना से भी ज़्यादा, क्योंकि इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है सिलेबस। तो अगर अभी आप ऑनलाइन एग्ज़ाम सब ऑनलाइन लेक्चर सब कंडक्ट कर रहे चल रहा है ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, एक ना एक दिन तो ये ख़त्म होने वाला है। तो एक ना एक दिन ख़त्म होगा तो क्या होगा कि आपको जो भी आप पास हो रहे थे कुछ कॉपी करके या कुछ भी करके, सब लोग कॉपी नहीं करते लेकिन बहुत सारे लोग करते, तो कुछ ना कुछ करके या बोर्ड ने पास कर दिया, ऐसा आगे नहीं होने वाला है। तो आपको तभी तो सीरियसली पढ़ाई करना ही पड़ेगा। तो अभी से ही अगर आप टॉपिक समझोगे तो ही आप आगे जाके पढ़ सकोगे, ऐसे ही टाइम पास करते रहोगे तो आगे तो पढ़ना ही है, आगे तो ऐसे पास नहीं होने वाले हो, ओके। सो फ्रॉम डे वन स्टडी सीरियसली फ्रॉम डे वन। 11th में अगर आपका एडमिशन हो गया या अभी आपका चल रहा है 11th में, कोचिंग क्लासेस स्टार्ट हो गए, कॉलेजेस स्टार्ट हो गए, तो पढ़ाई करो, स्टार्ट कर दो। एम रखो कि 12th में अच्छा मार्क्स मिलना चाहिए, उसके हिसाब से पढ़ाई करो, या फिर जो मैंने एंट्रेंस एग्जाम की बात की उसको क्रैक करना है उसके हिसाब से पढ़ाई करो, डे वन से करो। फॉर वन और टू मंथ्स
ये सभी के साथ होता है कि 1-2 महीने या कभी कभी 6 महीने तक बच्चों को टॉपिक समझ में नहीं आता, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि सिलेबस चेंज होता है। फिजिक्स आप अगर पढ़ रहे हो स्कूल में, लेकिन जो 11th स्टैंडर्ड का फिजिक्स है तो और डिफ़िकल्ट होगा, केमिस्ट्री और डिफ़िकल्ट होगा, नया टॉपिक्स आएंगे। सेम होता है मैथमेटिक्स में, नए टॉपिक्स आते हैं। कॉमर्स वालों के लिए तो एकदम अलग सिलेबस है, अकाउंट्स है, सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस है, ओ सी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, ये टॉपिक, ये जो सब्जेक्ट है, ये अलग अलग सब्जेक्ट्स है। तो कुछ टाइम क्या होता है कि आपको वो टॉपिक समझ में नहीं आते, तो बच्चे क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, वहीं का वहीं छोड़ देते हैं उसको, बोलते हैं अरे ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे मत करो, सभी को होता है, सभी को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो अगर आप उसको कंटिन्यू रखोगे, पढ़ते रहोगे, एक ना एक दिन आपको समझ में आएगा और आप भी और आगे जाके अच्छे से उसका प्रिपरेशन कर सकते हो। नेग्लिजेंस रखोगे, नेग्लेक्ट करोगे पढ़ाई को किसी भी कारण की वजह से, प्रॉब्लम से, अगर 1-2 महीना भी आपका पढ़ाई से ध्यान हट गया तो कंपटीशन बहुत टफ होता है। 10th के जैसा नहीं है कि 10th में अगर आपको मार्क्स कितने भी कम मिल गए तो आपको एडमिशन तो मिलता ही है 11th में। 12th में ऐसा नहीं होता, 12th के बाद अगर आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे या अच्छा स्कोर मिलेगा CET या JEE जो भी मैंने बोला एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसमें तो ही आपको अच्छा कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा तो आपको अच्छा प्लेसमेंट या अच्छा जॉब मिलेगा फ्यूचर में। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है 12th के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम या 12th का जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें अच्छा मार्क्स स्कोर करना, ठीक है। तो कंपटीशन बहुत टफ होता है, तो नेग्लिजेंस 1-2 महीने का नेग्लिजेंस अगर हो गया तो आप कंपटीशन से बहुत पीछे हो जाओगे। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक अ कमबैक, कमबैक करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, टाइम कम होता है। ओके, तो फोकस करते रहो शुरुआत से। सो बेस्ट ऑफ लक, आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू। सो जैसे मैंने बोला कि 11th को हल्के में नहीं लेना है, 11th का प्रिपरेशन सीरियसली करना है, ठीक है। 10th में अगर आपने टाइम पास कर दिया, चलो ठीक है छोड़ दो, आपने अगर नया अच्छा स्ट्रीम चूज़ किया, साइंस चूज़ किया या फिर आर्ट्स चूज़ किया, कॉमर्स चूज़ किया, तो उसका बेसिक समझ लो, उसके अभी नए तरीके से शुरुआत करो और नए तरीके से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। ओके, आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।